रुक्मिणी जी हम जानते हैं सोलह हजार एक सौ आठ पटरानियों में से प्रमुख पटरानी है रुक्मिणी जी तो ये द्वारका की लीला है और ऐश्वर्य प्रधान और रुक्मिणी जी जो है सब प्रधान प्रमुख जो है पटरानी है रुक्मिणी जी सोलह हजार एक सौ आठ पटरानियों में से जो ललित माधव में शिलरूप गोस्वामी बता रहे हैं कुछ इस प्रकार से बता रहे हैं कि कैसे चंद्रावली पहुंची थी चंद्रावली का विस्तार बताया गया है जो ब्रज की जो गोपियाँ हैं वही अपना विस्तार करती हैं द्वारका की पटरानियों के रूप में ऐसा शिलरूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं ललित माधव में ललित माधव में अधिकांश द्वारका की लीलाएं हैं लेकिन विदग्ध माधव में विशेष रूप से वृंदावन की लीला हैं सत्य भामा जी के कहने पर शिलरूप गोस्वामी पाद जी ने एक ग्रंथ का विभाजन किया था पहले एक ही ग्रंथ लिख रहे थे तो ये जो ब्रज की जो गोपियाँ हैं ब्रज की जो पटरा ब्रज की जो गोपियाँ हैं उन्होंने अपना विस्तार किया तो उसमें राधारानी का विस्तार है सत्यभामा जी और चंद्रावली का विस्तार है रुक्मणी जी और ललिता सखी का विस्तार है जाम्बुवती तो इस तरह से और भी पटरानी उन्होंने किया मैं तो कुछ ही बता रहा हूँ आपको और तो इसमें जो तो ये कथा इस प्रकार आती है वैसे तो ये राधाष्टमी के दिन भी सुनाया जाता है और इसी में वो कथा में चंद्रावली का नाम भी आता है तो हुआ क्या कि विंध्या पर्वत जो है उनका बड़ा द्वेष था हिमालय से ये पर्वत भी अपने स्वरूप में है ये पर्वत भी अपने आप में एक जीव है उड़ते नहीं है अचल है एक जगह रहते हैं तो विंध्या पर्वत जो है विंध्या पर्वत को बड़ा द्वेष था किससे हिमालय से क्योंकि हिमालय की बेटी का विवाह किससे हो रहा हो गया था महादेव से हिमालय की बेटी कौन है पार्वती हिमालय पर्वत की बेटी पार्वती पर्वत से पार्वती हो गए और महादेव से विवाह हो गया तो बिंदिया पर्वत को बड़ा द्वेष हो गया उन्होंने कहा कि बस मेरी ऐसी बेटी हो जिसका पति जो है महादेव को भी युद्ध में परास्त कर दे तो विंध्या पर्वत ने जो है तपस्या की खूब और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया ऐसे वरदान के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना करनी पड़ती है नहीं तो ब्रह्मा जी या शिव जी से प्रार्थना करते हैं तो तपस्या करनी पड़ती है खूब तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया तो ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने सुना कि ये वरदान चाहिए कि मुझे ऐसी बेटी दीजिए जिसका पति जो है महादेव को भी जो है युद्ध में परास्त कर दे तो क्या बोला उन्होंने ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु बड़े दयालु हैं ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी शिव जी बहुत दयालु हैं कृपालु हैं और उन्होंने तथास्त करके दे दिया उन्होंने बाद में सोचा रही क्या वरदान दे दिया मैंने यार अब कैसे करें क्योंकि महादेव को कौन परास कर सकता है कोई नहीं परास कर सकता है एक ही व्यक्ति परास कर सकते हैं वो है परम भगवान श्री कृष्ण राइट और उनकी अर्धांगनी है श्रीमती राधा नित्य उनकी संगी कौन है श्रीमती राधा रानी राधारानी है लेकिन राधा रानी की जो माता कीर्ति है शाश्वत माता है तो फिर विध्या की पुत्री कैसे रूप में कैसे जन्म ले ली वो और ब्रह्मा जी उलझन में पड़ गए गए कंफ्यूज हो कि क्या के हमें समझ में नहीं आ रहा है <laughs> तो फिर उसके बाद अब क्या हुआ ब्रह्मा जी भी तपस्या करने लगे तो ब्रह्मा जी ने तपस्या करके श्रीमती राधाराणी को प्रसन्न किया ब्रह्मा जी ने घोर तपस्या की एकदम से और श्रीमती राधाराणी प्रकट हुए श्रीमती राधाराणी का क्या बात है हाँ आपने हमें कैसे याद किया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा हो गया है मैंने एक वरदान दे दिया अब इंडिया को अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं मैं कि उनको ऐसी एक बेटी चाहिए थी जिसका पति महादेव को भी युद्ध में परास करे तो मैंने तथास्तु कह दिया और बाद में लगा कि महादेव को युद्ध में तो केवल कृष्ण ही परास कर सकते हैं और आप उनकी अर्धांग्नि हैं श्रीमती राधा रानी लेकिन आप तो विंध्या की बेटी नहीं हैं आप तो किसकी हैं कीर्तिदा की बेटी हैं कीर्तिदा आपके की जो है शाश्वत माता है तो क्या किया जाए बड़ा ही जो है ये मतलब उलझन पैदा करने वाला जो है ये परिस्थिति है तो राधारानी का कोई बात नहीं है तथास्तु राधाराणी के लिए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है तो उस समय क्या हुआ फिर वहां राधारानी और चंद्रावली या पर चंद्रावली और राधारणी दोनों का जन्म हुआ था महाराज वृषभानु के घर से चंद्र की पुत्री थी चंद्रावली और विश्व भानु के पुत्र थी पुत्र थी पुत्री थी, थी श्रीमती राधा रानी तो वो जो है आ, वो अभी उनकी पत्नियों के घर में थे कौन चंद्रावली और राधा रानी तो फिर उसके बाद फिर क्या किया योग माया की ऐसी व्यवस्था हुई स्थानांतरित करने की प्रथा तो पहले से चली आ रही है शास्त्रों में कई जगह शास्त्रों मिलता है स्थानांतरित किया तो बलराम जी को स्थानांतरित किया गया माता देवकी के घर से माता रोहिणी के घर में स्थानांतरित हुए संकर्षण बलराम और यहाँ भी स्थानांतरित हुए रानी और चंद्रावली योग माया ने व्यवस्था की और फिर योग माया ने स्थानांतरित कर दिया किधर उधर विंध्या पर्वत की पत्नी के घर में स्थानांतरित हो गए तो दोनों बेटियों का जन्म हो गया नहीं अब दोनों बेटियों का जब जन्म हो गया तो फिर विद्यापर्वत ने सोचा चलो कुछ संस्कार होने चाहिए कुछ यज्ञ होना चाहिए यज्ञ करवाया गया तो अच्छा इस बीच में क्या हुआ था कि भगवान कृष्ण भी पहले प्रकट हो चुके थे और जाते हैं वसुदेव जी जो है कृष्ण को लेकर मथुरा से गोकुल गए थे रात को अर्धरात्रि को लेकर गए थे और वहां से फिर क्या कन्या को लेकर आए थे वहां कन्या का भी जन्म हुआ था ना आनंद महाराज के यहाँ पर माता यशोदा से जो है योग माया का जन्म हुआ या फिर दुर्गा जी का जन्म हुआ तो उनको लेकर आए वासुदेव वसुदेव जी उनको लेकर आए और फिर जब लेकर आए तो और जो कंस के मंत्री थे चाणूर मुष्टिक इत्यादि उन्होंने कहा कि आठवीं संतान बेटी है लेकिन आठवीं संतान विष्णु का कोई भरोसा नहीं है बड़ा माया भी है वो तो फिर उस कंस जो है वो बेटी को मारने के लिए गया और जैसे बेटी को मारना चाहता हो तो बेटी ने क्या किया दुर्गा जी का रूप कर ले लिया एकदम से दस पूजा धारी एकदम से और दुर्गा जी प्रकट हो गई तुम पिछले जन्म में काल ने भी थे और भगवान ने तुम्हारा वध किया था फिर क्या हुआ है अब दोबारा तुम्हारा जन्म हुआ है कंस के रूप में और एक बात समझ लो तुम्हें मारने वाला तो जन्म ले चुका है और कहीं तुम मूर्ख हो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो तो फिर उसके बाद फिर बस और और क्या बताया कि और बहुत जल्द ही आठ महाशक्तियां भी प्रकट होने वाली हैं आपकी सूचना के लिए कौन है वो आठ शक्तियां राधा रानी राधा चंद्रावली जी विशाखा जी पदमा शैव्या श्यामला भद्रा और इसमें दो महाशक्ति हैं इन शक्तियों में महाशक्ति दो है पावरफुल और वो कौन है राधा रानी और चंद्रावली और दोनों में भी कौन सबसे शक्तिशाली है श्रीमती राधा रानी तो इस प्रकार बातें हो रही थी तो कंस बड़ा भयभीत हो गया उसने सोचा रही है क्या मुझे मारने वाला जन्म ले चुका है तो मंत्रियों ने सुझाव दिया ये तो अच्छा नहीं है महाराज अब क्या किया जाए अच्छा है कि इनको तो जन्म लेते ही मार देना चाहिए आगे का कोई भरोसा नहीं है तो इन्होंने क्या किया उन्होंने कहा जो मेल पुरु, मेल चाइल्ड है उनको तो मार दो और जो फीमेल चाइल्ड है कन्याएं हैं बच्चे बच्चियां हैं उनका अपहरण कर लो किसको बुलाया गया पूतना पूतना जितने भी ब्रज में बच्चे हैं उन सबको मार डालो जब ये हाल ही में जिनका जन्म हुआ है और जो बच्चियां हैं बेटियां हैं उनका अपहरण कर लो तो पूतना ने कहा ठीक है कर लेते हैं सरकार महाराज जैसी आप आज्ञा दें वैसे ही होगा तो बस पूतना ने जो है जो है अपहरण करना शुरू कर दिया बच्चियों का तो दोनों बेटियों को उठा लिया किसको चंद्रावली को और जो है राधा रानी को उठा लिया कहाँ थी वो विंध्या पर्वत के घर में थी वहाँ यज्ञ चल रहा था ना तो यज्ञ के दौरान पूतना पहुँच गई अब पूतना पहुँची तो पूतना ने उठा लिया दोनों बच्चों को बच्चियों को उठा लिया और बच्चियों को उठाकर वो आकाश में उड़ने लगी तो महाराज विन्द्या ने जो है फिर बहुत क्रोधित हुए उन्हें ब्राह्मणों को कहा ये देखो ये जो है बच्चियों को उठा के ले गया है ले गई है ये पूतना आप मंत्र का उच्चारण करो इसको नीचे गिराओ तो ब्राह्मणों ने कहा जैसे महाराज आप चाहते हैं वैसे ही होगा तो ब्राह्मणों ने क्या मंत्रों का उच्चारण किया स्वाहा स्वाहा और उसके बाद पूतना एकदम से कमजोर होने लगी ताकत का होश किया कम हो गई और बहुत भारी लगने लगी राधा रानी और चंद्रावली उठा नहीं पा रही थी वो और फिर उसके बाद क्या हुआ बता रहे हैं यहाँ पर और उसके बाद फिर क्या हुआ ये पूतना के हाथ एक बच्ची गिर गई कहाँ वैधर्व में इसलिए वैधर्भी भी कहा जाता है रुक्मणी जी को तो फिर वो वहाँ महाराज भीष्म को वो बच्ची जब गिरी तो वो नदी में आके गिरी वहाँ पर और महाराज का जो है उनको उठा लिए कौदन्यपुर महाराज भीष्म का राज्य था जहाँ पर भीष्मक जहाँ रहते थे आ, राजा भीष्मक और इस तरह से चंद्रावली उनको प्राप्त हुई तो लगभग पाँच वर्ष थी उनकी उम्र तक वहाँ पर रही थी चंद्रावली बाद में विंध्या ने आज्ञा दी थी जामवान को वहाँ से लाने के लिए उनको पता चल गया तो जामवान जाके उनको वापस लाए थे और उसके बाद फिर वापस आए तो चंद्रावली आए तो इतने में क्या हुआ कि पूर्णमासी जो है अब व्यवस्था कर रही हैं और कई जो बच्चियों को उठाया गया था तो उन सबको वापस ला रही पूर्णिमा पूर्ण पूर्णमासी जो है तो पूर्णमासी इस तरह से चंद्रावली को वापस ले आए ब्रज में अब पूर्णमासी भी योग में आया है तो चंद्रावली को ले आए ललिता जी को ले आए पदमा जी को ले आए भद्रा को ले आए शैब्या को ले आए और श्यामा को ले आए सभी गोपियों को ले आए वापस तो ये चंद्रावली का ही विस्तार बताया जाता है रुक्मिणी जी को तो इस तरह से जो है चंद्रावली वहाँ विस्तार किया अपना और फिर उसके बाद राजा भीष्म की पुत्री के रूप में प्रकट हुई वो और कौंद्यपुर कौंद्यपुर वो स्थान है जहाँ पर रुक्मिणी जी का आविर्भाव हुआ